भोपाल पुलिस ने 21 साल की लेडी लिफ्ट डॉन को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गैंग की लेडी डॉन रात में बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन और सुनसान रास्तों पर मर्दों को लिफ्ट देने के नाम पर फंसाती थी। वहीं एक बार जाल में फंसने के बाद युवक से कैश, गोल्ड और मोबाइल फोन तक छीन लेती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लिफ्ट लेने के बाद अपनी अदाओं में फांसती। वहीं सुनसान रास्तों में पहुंचने पर उसकी टीम के लोग गाड़ी को घेर लेते थे। उसके बाद युवक से मारपीट कर उसका वीडियो बना लेते थे। वही अपहरण से लेकर के लूट और ब्लैकमेलिंग तक का खेल चलता था। लड़की भोपाल में ही 100 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। थाना रातीबड़ को फरियादी अरुण राय नाम के युवक ने अज्ञात लड़की और उसके साथियों के द्वारा मारपीट, अपहरण और कार ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि भदभदा के पास सेंट्रो कार से वो जा रहा था, इस दौरान एक लड़की ने उसे लिफ्ट ली। आगे सुनसान इलाके में पहुंचने पर एक कार ने उसे रोक लिया, जहां लड़कों ने लिफ्ट लेने वाली लड़की से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगाते हुए मारपीट की। वहीं उसकी गाड़ी ले गए, उसका अपहरण करने का प्रयास किया। किसी तरह से उसने रातीबड़ पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। रातीबड़ पुलिस ने शिकायत मिलते ही शहर के सभी थानों को वायरलेस के जरिए घटना के संबंध में सूचित किया। पुलिस की चार्ली FRV चेकिंग पॉइंट भ्रमण कर रहे पुलिसकर्मियों को देखकर बदहवास हबीबगंज मंदिर गोविंदपुरा के पास गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए। थाना रातीबड़ पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान थाना श्यामला हिल्स, टीटी नगर, कमला नगर, रातीबड़, कोलार, चूना भट्टी, हबीबगंज, बागसेवनिया क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारियों ने आरोपियों की तलाश शुरू की, जहाँ नेहरू नगर चौराहे पर अगले शिकार की तलाश में घूम रही लिफ्ट लेडी डॉन की पहचान हो गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जहां उसकी पहचान नेहरू नगर में रहने वाली 21 साल की अंजलि के रूप में हुई है। अंजलि के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में उसके पास साथियों के बारे में भी पता चला है, जिन्हें पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। जहां अंजलि ने वारदात का तरीका बताया, उसने कहा कि अंधेरे में खड़े होकर राह चलते फोर व्हीलर वाहन को रोककर किसी परेशानी का बहाना लेकर कुछ दूर तक छोड़ने को कहा जाता था। अंधेरा पाकर उसके अन्य साथियों के द्वारा गाड़ी को घेर कर वाहन चालक की मारपीट करके शिकार को बदनाम करने की धमकी दी जाती थी, उससे पैसे ऐंठ लिए जाते थे। वहीं गूगल पर विभिन्न प्रकार की साइट्स ओपन होती थी, जिसे कॉलर से ऑनलाइन पेमेंट कराकर उसको धमकाया जाता था, ब्लॉक भी कर दिया जाता था। लोक लाज के डर से कोई भी व्यक्ति उनकी शिकायत थाने में नहीं कर पाता था। अंजलि ने बताया कि ये आइडिया उसने क्राइम पेट्रोल के जरिए लिया। इसके लिए वह 23 साल के आकाश लोधी, 28 साल के दीपक सिंह, 19 साल के ऋतिक रैकवार, 25 साल के प्रिंस मालवी और आकाश पवार के साथ मिलकर काम करती थी। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।